हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल फिनोमिन सो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है स्पेशली ऑन द टॉपिक सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वॉट इज़ सरफेस टेंशन उसके अलग अलग मैथड्स क्या होती है वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सरफेस टेंसन और इसके फिनोमिन कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं एज वेल एज जो ये वर्ड है कि इंटरफेसियल फिनोमिन कि जब दो इमिसिबल लिक्विड हम देखते हैं कि लाइक इस तरह के टेस्ट ट्यूब के अंदर ये है लिक्विड uh, वन और ये है लिक्विड टू तो उन लोगों के बीच में आप देख सकते हैं कि ये एक लाइन uh, क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे समझो कि ये है मेरे पास फिनॉल है और ऊपर है मेरे पास वाटर तो फिनॉल और वाटर दोनों कैसे है तो इमिसिबल लिक्विड्स से और इस टाइप की जब इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं तो वो अपनी uh, जो जहाँ से वो सेपरेट होते हैं वहाँ पे क्या बनाते हैं एक इंटरफेस बनाते हैं वहाँ पे क्या क्रिएट करते हैं ये इंटर फेस तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्लस जैसे वाटर है तो ये बाजू वाले में समझो कि ऊपर की ओर ये वाटर है और नीचे कोई दूसरा लिक्विड है लिक्विड टू वाटर जो है लिक्विड वन तो यहाँ पे भी आप इंटरफेस क्रिएट होती हुई देख सकते हैं तो इस तरह से जो इंटरफेसियल फिनोमिनन है वो भी हम डिटेल uh, में स्टडी करेंगे इन दिस चैप्टर सो लेट स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आईकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मा रॉक्स का स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर वगैरह आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएंगी सो लर्न ऑनलाइन थ्रू आवर फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस सो डाउनलोड द एप नाउ फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एज़ वेल एज़ फ्रॉम द एपल आईफोन एप स्टोर लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो ये स्टडी मटेरियल हमारा कि जो जीपैट नाइपर डी आई फार्मास सभी के लिए यूजफुल है तो ये पी डी एफ फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा एज वेल एज़ प्रिंटेड टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी वीडियो लेक्चर एंड ये स्टडी मटेरियल की जो प्रिंटेड मटेरियल्स को भी ऑप्शन है एज वेल एज सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो यू विल फाइंड आउट द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑन दिस एप विथ प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस एम सी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन एंड यू विल ऑल्सो गेट योर रैंक बेज ऑन योर परफॉर्मेंस सो गेट द ऑल दिस फैसिलिटी ऑफ लर्निंग ऑनलाइन With our various online courses for जी पैट नाइपर and आई एंड फार्मोस इंस्टाग्जाम डाउनलोड द Android फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल as एज वेल एज App आईफोन ऐप ऑन एप तो सबसे पहले जो है बात कि वॉट इज इंटरफेसियल फिनोमिन कि जो हम चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल फिनोमिन तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वॉट इज इंटरफेसियल फिनोमिन एंड वॉट इज इंटरफेस तो इंटरफेस मतलब क्या तो इंटरफेस इज द बाउंड्री बिटवीन टू और मोर फेजिज एग्जिट टूगेदर तो इसका एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं हम टेस्ट ट्यूब कि ये वाली एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर मैं यहाँ तक बढ़ता हूँ पहले फिनॉल फिनॉल के बाद मैं यहाँ पे उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ वाटर टेस्ट्यूब को मैं थोड़ा सेक करूँगा तो फिनॉल वाटर थोड़ा मिक्स होगा बट थोड़ी देर के बाद दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और एक जो है वो फेज क्रिएट करेंगे तो जो फेस क्रिएट होगा वो ही है हमारा इंटरफेस तो ये होगा ये फिनॉल भी लिक्विड है वाटर भी लिक्विड है फिर टेस्टिप के ऊपर तो अब कुछ नहीं है वाटर की ये बाउंड्री आ रही है तो उसके ऊपर है एयर है नीचे जो टेस्टिप का जो मटेरियल है बना हुआ है सॉलिड ये वाला भी पूरा सॉलिड मटेरियल है तो अब आप देखिए कि जो बाउंड्री क्रिएट होती है इंटरफेस इज़ द बाउंड्री बिटवीन टू और मोर फेजिज एग्जिट टूगेदर तो यहाँ पे कौन कितनी इंटरफेज है तो ये वाली फर्स्ट इंटरफेस कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ इंटरफेस नंबर वन कि ये है फर्स्ट इंटरफेस कि वो फॉर्म होती है बिटवीन वाटर एंड फिनॉल दूसरे वर्ड में हम कहें तो ये इंटरफेस कौन सी है लिक्विड लिक्विड क्योंकि ऊपर की ओर भी लिक्विड है और नीचे की ओर भी लिक्विड है तो ये जो इंटरफेस जनरेट हुई वो कह सकते हैं हम लिक्विड लिक्विड इंटरफेस की यह है लिक्विड इंटरफेस नंबर वन ऐसे ही यही टेस्ट ट्यूब के अंदर एक और इंटरफेस हमें देखने को मिल सकती है वो है ये वाली दिस वन तो उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे इंटरफेस टू दैट इज ए इंटरफेस नंबर टू तो ये इंटरफेस है बिटवीन द एयर एंड वाटर एयर एंड वाटर के बीच में ये इंटरफेस है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाले नीचे के पोर्शन में तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड तो ये वाली भी एक इंटरफेस जनरेट हो सकती है कि वो बन सकती है सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस फिर ये जो है वो सॉलिड है बाहर की ओर गैस है तो ये सॉलिड गैस इंटरफेस बन गई तो इससे अलग अलग इंटरफेसेस जो है वो अवेलेबल होती है कि एक बाउंड्री क्रिएट होती है इज द बाउंड्री बिटवीन टू और मोर फेजेस एग्जिट टूगेदर जब दो या दो से ज्यादा फेजेस एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट होते हैं तो उस वक्त इस टाइप की इंटरफेस आपको देखने को मिलती है और ये एग्जाम्पल है बेस्ड ये फिनॉल वाटर सिस्टम का कि ये है आपके पास फिनॉल और ऊपर की ओर है वाटर तो ये दोनों अपनी इंटरफेस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो ये है सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंटरफेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मोलिक्यूल्स फॉर्मिंग द इंटरफेस आर डिफरेंट फ्रॉम दो इन द बल्क दैट दिस मोलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग एन इंटरफेजियल फेस ये वाला समझो ये क्या लिख रहा है इजिली आप समझते हैं ये सेकेंड पॉइंट को तो सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या कह रहे हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द इंटरफेस फॉर्मिंग द इंटरफेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बल्क दैट दिस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मिंग इंटरफेसियल फेस इसका कहना यह है कि ये जो इंटरफेजिज जो जनरेट हो रही है वो डिफरेंट होती है कि जब मॉलिक्यूल्स यहां पे ऊपर सरफेस पे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स ये थे कि जो ये लिक्विड के अंदर होते कि वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स ये अंदर है तो अंदर रहा मॉलिक्यूल्स के चारे बाजू जो है वो क्या होगा वाटर ही होगा ऐसे ही जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके तीन साइड तो वाटर ही है बट ऊपर की साइड है एयर तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ये थे कि जो सरफेस पर होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर बल्क के अंदर होते हैं आखिरी पॉइंट समझते हैं कि सेवरल टाइप ऑफ इंटरफेस कैन एग्जिस्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर द टू एडजस्टन्स फेजेस आर सॉलिड लिक्विड और द गैसियस स्टेट की जैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर पढ़ते हैं कि बेसिकली हमारे पास मैटर जो है वो थ्री फेजेस के अंदर मिलता है एक होता है हमारे पास सॉलिड सेकंड होता है लिक्विड और थर्ड होता है स्टेट गैसियस स्टेट तो जब आ, किसी भी एक सिस्टम के अंदर ये तीनों फेजेस एक दूसरे के साथ सेट होते हैं तो हमें देखने को मिलती है ये इंटरफेजिज तो इसी का आप एग्जाम्पल देते हैं डिटेल में तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेज इन दैट फर्स्ट देट इज़ ए सॉलिड सॉलिड इंटरफेस तो सॉलिड सॉलिड इंटरफेस कहाँ पे तो देखो ये वाले जो टेस्ट ट्यूब है ये वाले टेस्ट ट्यूब को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट ट्यूब वन और यह है टेस्ट ट्यूब टू यहाँ पे इसके अंदर है नीचे की ओर फिनॉल है ऊपर की ओर है ये वाटर यहाँ पर भी नीचे जो है वो कोई अननोन लिक्विड है इसलिए हम लिक्विड लिख लेते हैं और ये है वाटर तो अब यहाँ पे जो हमें लिखने हैं फेजिस तो वो लिख लेते हैं अब तो समझो कि ये वाला जो पार्ट है वो है सॉलिड कि जहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब रखी हुई है तो ये सॉलिड नीचे का प्लस टेस्ट ट्यूब का जो ग्लास मटेरियल है वो भी कैसा है सॉलिड है ऐसे ही सेम लाइक दैट ये जो टेस्ट ट्यूब का सॉलिड प्लस टेस्ट ट्यूब जहाँ पे रखी हुई है वो भी सॉलिड तो उसका मतलब क्या हुआ ये जो इंटरफेस जनरेट हुई उसको हम कहेंगे सॉलिड सॉलिड इंटरफेस सेकंड सॉलिड एयर इंटरफेस तो ये वाला देखो ये वाला जो लेयर है ट्यूब का कि ग्लास का जो बाउंड्री है तो वो भी कैसी है सॉलिड है और उसके बाहर की ओर आप देखोगे यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है एयर तो ये जो इंटरफेस जनरेट हुई कि ये वाली सरफेस है वो सॉलिड है और उसके आसपास यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो ये सॉलिड एयर सॉलिड एयर यहाँ पे एस लिखे और यहाँ पे हम एयर लिखे तो सॉलिड एयर इंटरफेस जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये है सेकंड इंटरफेस थर्ड है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस वो कहाँ पे आप देखो तो ये है सॉलिड और ये है ऊपर की ओर लिक्विड की जो है फिनॉल यहाँ पे भी देख सकते हैं प्लस यहाँ पे भी हो सकता है कि ये साइड सॉलिड और अंदर की और है ये लिक्विड सेम यहाँ पे भी जनरेट हो सकती है कि अंदर लिक्विड है बाहर की ओर सॉलिड फिर से ये सॉलिड और ये अंदर लिक्विड तो जहाँ पे भी ये सॉलिड सरफेस है और अंदर की ओर जब लिक्विड है तो वहाँ पे जो इंटरफेस जनरेट होती है वो हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस उसके बाद लिक्विड लिक्विड इंटरफेस तो ये फिनॉल एक लिक्विड और ऊपर की ओर वाटर भी एक लिक्विड ही है तो ये दोनों लिक्विड्स के बीच में आप ये वाली लाइन देख रहे हैं कि जहाँ से दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो वो हो गई लिक्विड लिक्विड इंटरफेस एंड उसके बाद लिक्विड एयर इंटरफेस कि यहाँ पे है ये लिक्विड ऊपर की ओर यह है ये गैस तो यहाँ पे जो इंटरफेस जनरेट हुई वो हो गई एयर लिक्विड या फिर लिक्विड एयर इंटरफेस अब एक ही बचता है गैस गैस बट गैस गैस इंटरफेस प्रैक्टिकली डट एग्जिस्ट प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगी गैस गैस इंटरफेस बिकॉज गैसेज आर मिसिबल विथ ईच अदर इन ऑल द प्रपोसंस कि जिससे के कारण जो हम ऐटमोसफियर के अंदर जो अलग अलग गैसेज है कि लाइक ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है नाइट्रोजन भी होता है हीलियम गैसेस भी होते हैं तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर से बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमें किसी भी टाइप के लेयर्स देखने को नहीं मिलते जिसके कारण प्रॉपर उसका कैसा है होमोजीनियस मिक्सचर सभी गैस एक दूसरे के साथ मिसिबल है इन ऑल प्रपोसन तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरफेस तो इसी को आप इजीली uh, समझ सकते हैं कि सिंपल आपको जस्ट यहाँ पे यह वाला डायग्राम ड्रॉ करके क्या करना है तो सबसे पहले नॉमेन कल्चर कर लेना है कि ये है नीचे सॉलिड ये वाली सरफेस भी सॉलिड तो ये इंटरफेस सॉलिड सॉलिड बन गई फिर अंदर की और ये है लिक्विड है तो ये लिक्विड और ये सॉलिड के बीच में सॉलिड लिक्विड इंटरफेस बन गई फिर ये सॉलिड है ये वाली पूरी सरफेस आउटर सरफेस और ये साइड एयर है और यह है सॉलिड तो ये जो इंटरफेस बनी वो सॉलिड एयर फिर सॉलिड सॉलिड भी हमने देख ली फिर ये है लिक्विड यह भी लिक्विड दोनों के बीच की इंटरफेस लिक्विड लिक्विड एंड ये लिक्विड बट ऊपर की ओर है एयर तो ये इंटरफेस बनी वो लिक्विड एयर इंटरफेस तो इस तरह से आपको अलग अलग इंटरफेसेस जो है वो देखने को मिलेगी कि जब दो से ज्यादा फेजेस आपके एग्जिस्ट करते कि एक फेज़ है ये एक सॉलिड फेज है नीचे लिक्विड फेज है और एयर फेज भी है तो उस वक्त हमें अलग अलग इंटरफेसेस देखने को मिलती है उसमें भी जब दो लिक्विड ऐसे हो गए कि जो इमिसिबल हो गए तब आपको और ज़्यादा क्लियर इंटरफेस देखने को मिलेगी एक वो है लिक्विड लिक्विड इंटरफेस की जब दो इमिसिबल लिक्विड की लाइक फिनॉल वाटर है बेंजिन वाटर है प्लस ऑयल एंड वाटर है तो ऐसे ही सिस्टम्स के अंदर अलग अलग इंटरफेसिस हमें देखने को मिलती है तब तो इंटर इम्पोर्टेंस क्या है ये इंटरफेसियल फिनोमिनन की स्टडी करने का इन फार्मेसी तो एड्सॉर्पन ऑफ ड्रग्स ऑन टो सॉलिड एडजस्टेंट इन डोजेस फॉर्म की इंटरफेस की एडजॉर्पसन ऑफ ड्रग्स ऑन टो सॉलिड एडजस्टेंट इन डोजेस फॉर्म कि समझो कि आपने कोई भी डोजेस फॉर्म लिया है ये टैबलेट या फिर आपके पास थी ये कैप्सूल तो टैबलेट थी चलो राउंड देते हैं टैबलेट को और कैप्सूल थी अपने ओरल रूट से ली जाती है स्टमक में तो स्टमक के पे समझो कि जाके यहाँ पे वो प्लेस हो जाती है तो ये है टैबलेट हमारी सॉलिड प्लस जो मेम्ब्रेन पे वो आएगी वो भी एक रिजिड मेम्ब्रेन ही होगी तो इसलिए को भी हम जस्ट फॉर ए इमेजिनेसन उसको भी हम सॉलिड कंसिडर करें तो एक इंटरफेस या फिर एक कॉन्टैक्ट बनेगा टैबलेट और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में और वहाँ से इसका एड्जॉर्पसन एब्जॉर्पसन वगैरह स्टार्ट होगा तो जो सॉलिड एडजस्टेंस होते हैं उसके सरफेस के ऊपर या फिर उसके ऊपर जो ड्रग्स का एडजॉर्पसन होता है उसके लिए ये इम्पोर्टेंस है उसके बाद पेनिट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है और स्पेशली जो सेल मेम्ब्रेन कि जो हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं बायो लेयर्स होते हैं लिपिड के और लिपिड बायो लेयर की बनी हुई जो ये सेल मेम्ब्रेन या फिर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं वहाँ से कि समझ कि ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है तो इसको पार करके ड्रग मॉलिक्यूल जो आउटसाइड होते हैं वो इनसाइड पहुंचते हैं तो मॉलिक्यूल्स का जो पेनेट्रेशन होता है उस वक्त भी ये अलग अलग इंटरफेसेस बनते हैं तो इसका भी इम्पोर्टेंस है देन इमल्सन फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी कि जैसे आप देखते हैं कि ऑयल एंड वाटर के दोनों इमिसिबल सिस्टम्स है कि ये है हमारे पास ऑयल और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स तो वो एक दूसरे के साथ आ, इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करके हम इसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं कि जो इमल्सन कहा जाता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल तो वो जो इमल्सन फॉर्म होता है तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि इंटरफेस तो बनती ही है शुरुआत में बट उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं बाय यूजिंग द इमल्सिफायर कि इमल्सिफायर या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट सर्फेक्टेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट वगैरह को यूज़ करके हम सरफेस टेंशन या फिर ये इंटरफेसियल टेंशन है उसको रिड्यूस करके जो है वो इमल्सन वगैरह फॉर्म कर दे तो यहाँ पे एक इसका इंपॉर्टेंस है देन द डिस्पर्जन ऑफ इन्सॉलिबल पार्टिकल्स इन लिक्विड मीडिया टू फॉर्म कि जब डिस्पर्जन बनता है इनसॉलिबल पार्टिकल्स का इन लिक्विड मीडिया टू फॉर्म सस्पेंजन जो हम सस्पेंजन बनाते हैं कि सस्पेंजन को बनाने के लिए स्पेशली ये इम्पोर्टेंस है कि उस वक्त सॉलिड होते हैं कि जो इमिसेबल होते हैं इन्सॉलिबल पार्टिकल होते हैं लिक्विड मीडिया के अंदर और वो भी फॉर्म करते हैं इंटरफेस कि जो वहाँ पे बनती है कि जैसे ये ऑयल के ग्लोब वाटर के ग्लोब्यूल्स है और ये ऑयल है तो ऑयल ग्लोबिल्स और वाटर ग्लोबल के बीच में भी क्या तैयार होती है इंटरफेस ऐसे ही सस्पेंजन के अंदर सॉलिड और लिक्विड के बीच में अपनी इंटरफेस uh, जो है वो तैयार होती है तो यह फिनोमिन से फार्मेसी के अंदर फॉर ड्रग डिलीवरी ऑल्सो फॉर द एप्सो एड्सॉबसन पेनेट्रेशन इन द फॉर्मुलेश लाइक इमलसन एंड ऑल्सो फॉर सस्पेंजन अब जानते हैं लिक्विड इंटरफेसेस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में कि सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन सो इन द लिक्विड स्टेट द कोहेजिव फोर्स बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आर वेल डेवलप कोहेजिव फोर्स कि जो कोहेजिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आर वेल डेवलप किस तरह के कि ये मॉलिक्यूल वन ए लिखता हूँ मैं ये बी है सी है डी है तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजिव फोर्सेस डेवलप होंगे इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड तो ये देखो कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कि वो सरफेस पे होते हैं कि ये बिकर के अंदर समझो कि हमने कोई लिक्विड फिलअप किया है ऊपर की ओर ये एयर है तो ये ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स है कि ये जितने भी मैं यहाँ पे ऊपर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करूँगा कि ये लिखा है ये वाला कि मॉलिक्यूल एट सरफेस तो उसको ये अलग अलग डायरेक्शन से नीचे अलग अलग दूसरे मॉलिक्यूल से भी वो सराउंडेड है बट उसके ऊपर की ओर कोई है नहीं जैसे ये वाला जो है वो बल्क में है ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ पे है प्रेजेंट इन ए बल्क ऑफ लिक्विड तो वो मॉलिक्यूल सराउंडेड है बाय लिक्विड कि उसके चारों बाजू लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होता है फोर्सेस uh, की जो कोहेजिव फोर्सेस या फिर एधेसिव फोर्सेस कहते हैं वो चेंजेस होते हैं सभी के अंदर कि कुछ मोलिक्यूल जो अंदर है उनके ऊपर अलग से फोर्सेस लगते हैं और जो सरफेस पे है उसके ऊपर स्पेशली जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स के उसके ऊपर ये जो ऊपर की ओर एयर है एयर के पार्टिकल्स का जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है तो फॉर द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ द लिक्विड यहां से ये पॉइंट समझिए आप फॉर द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ ए लिक्विड की अब बात हो रही है ये अंदर वाले मॉलिक्यूल्स की दे आर सराउंडेड इन ऑल डायरेक्शन By other molecules for which they have an equal attraction कि ये जो सेंटर में मोलिक्यूल होगा तो उसके ऊपर नीचे आजू बाजू चारों बाजू से उसके ऊपर इक्वल एट्रैक्शन होगा कि उसके आसपास जितने भी दूसरे मालिक्यूल्स से सभी मालिक्यूल्स का उसके ऊपर क्या है प्रॉपर एट्रैक्शन के समझो कि ये मोलिक्यूल फिर यहाँ पे भी जो मालिक्यूल्स है तो सभी मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के प्रति क्या होगा इक्वल अट्रैक्शन की जो है एक ही लिक्विड के है बिकॉज ये मॉलिक्यूल भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है तो ये बल्क के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सभी मॉलिक्यूल्स कैसे है लिक्विड के है बट कंडीशन जब चेंज होती है कि जब मॉलिक्यूल सरफेस पे होता है तो ये समझो कि ये मॉलिक्यूल सरफेस पर है तो नीचे तो लिक्विड का मॉलिक्यूल साइड में भी लिक्विड का है यहाँ पे भी लिक्विड का मॉलिक्यूल है बट समझो कि ये वाली डायरेक्शन से यहाँ से और यहाँ से एयर के मॉलिक्यूल्स जो है उसके ऊपर एट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कंडीशन जो है वो चेंज होती है तो उसी को समझना है हमें अच्छे से तो फिर से अब ध्यान रखिए कि फॉर द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एट द लिक्विड एयर इंटरफेस की इक्वली एट्रैक्शन तो है कि जो मोलिक्यूल्स बल्क के अंदर है तो ये पॉइंट तो आपने समझ लिया अब बात कर रहे हैं कि जो मोलिक्यूल्स सरफेस ऊपर है तो उनके लिए दो कंडीशन है कि ओनली एट्रैक्टिव कोहेजिव फोर्सिस ओनली एट्रेक्टिव कोहेजन फोरसेस विथ अधर लिक्विड मोलिक्यूल्स विच आर सिचुएटेड बिलो ऐसे कि देखो ये वाला है हमारा सरफेस का मोलिक्यूल्स तो उसके बिलो लिक्विड है साइड में भी लिक्विड है और ये साइड भी लिक्विड है तो ओनली एट्रैक्टिव कोहेजिव फोर्स विथ अदर लिक्विड मोलिक्यूल्स कि ये वाला तो लिक्विड है ही उसको मैं अलग कलर कर देता हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा सेंटर ये हमारा सेंटर लिक्विड मॉलिक्यूल ये वाला सेंटर लिक्विड मॉलिक्यूल उसके बिलो और आसपास भी लिक्विड ही है जस्ट ऊपर की ओर उसके एयर है ऊपर की ओर ए लिखता हूँ फॉर एयर यहाँ पे भी एयर होगी

तो इसी के बीच में होगा और जो दूसरी कंडीशन हम जो सोच सकते हैं कि ये कंडीशन वन और दूसरी कंडीशन कि दे कैन डेवलप अधेसिव फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर फेज इन द इंटरफेस कि ये तो सरफेस है ऊपर अब फेस चेंज हो रही है ऊपर की जो फेज़ है वो है एयर है तो अब ये हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो ट्राई करेंगे टू डेवलप अधेसिव फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन कि जो अधेसिव फोर्सेस होते हैं एट्रैक्शन के वो डेवलप करने का स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से आप इंटरफेस को जो है वो इजीली जो है वो समझ सकते हैं सिंपली आपको एक ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से पहले तो पता होना चाहिए कि इंटरफेसेस कैसे तैयार होती है प्लस कितने टाइप की अलग अलग इंटरफेसिस होती है वो आपको पता होना चाहिए एंड फिर किस तरह से वो सेपरेट होती है तो वो आपको जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए और बाकी ये दो कंडीशन आप अच्छे से याद रखो कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं उनके लिए ये दो कंडीशन एंड जो बल्क के अंदर है तो उनके लिए तो इक्वल अट्रैक्शन है चारों बाजों से तो अब है इंटरफेसियल टेंशन तो टेंशन को दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं एक टाइप का फोर्स तो इंटरफेसियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ के समझो कि फोर्स यूनिट लेंथ में मैं ले लेता हूँ कि चलो कि ये वाली इतनी लेंथ एक सेंटीमीटर लेंथ है एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन एंड हैज द यूनिट ऑफ डाइन पर सेंटीमीटर अब इंटरफेसियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ कि यूनिट लेंथ ये है उसके ऊपर समझो कि ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम कि ये वाली वन सेंटीमीटर उसके ऊपर ये ऊपर से फोर्स ये वाली एक और वन सेंटीमीटर उसके ऊपर ये फोर्स तो फोर्स अप्लाई होगा इन यूनिट डाइन पर यूनिट सरफेस पर यूनिट लेंथ है इसलिए लेंथ के लिए हम यूनिट लेंगे सेंटीमीटर तो उसका जो यूनिट तैयार होगा वो होगा डाइन पर सेंटीमीटर कितना फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा है टू आ, डेवलप द वन सेंटीमीटर कि जो हम इतनी जो लेंथ के अंदर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वर्क को करने के लिए वो हो जाएगा इंटरफेसियल टेंशन सो इंटरफेसियल टेंसन आर लेस दैन सरफेस टेंसन बिकॉज एनअेसिव फोरसिस बिटवीन द टू लिक्विड फेजिज फॉर्मिंग द इंटरफेस आर ग्रेटर दैन वैन द लिक्विड एंड गैसेज फेजि एगजिस्ट टूगेदर तो ये वाला पॉइंट में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खास पूछा जा सकता है फिर से एक बार समझो कि इंटरफेसियल टेंसन कम होते हैं एज़ कंपेयर टू सरफेस टेंसन उसका रीज़न ये है कि इंटरफेसियल टेंशन कहाँ पे होते हैं तो इंटरफेज पे होते हैं कि जब कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स मिसिबल होते हैं कि जैसे हमने फ़िनॉल वाटर की बात की तो ये फिनॉल वाटर है तो ये जो इंटरफेस तैयार होगी ये वाले कि यह वाटर है ये फिनॉल है तो ये इंटरफेस होगी उसका इंटरफेसियल टेंशन कम होगा एस कंपेयर टू ये सरफेस ऊपर जो होगा सरफेस टेंशन तो इंटरफेसल टेंशन आर लेस देन सरफेस टेंशन बिकॉज अदेसिव फोर्सेस बिटवीन टू लिक्विड फेजेस फॉर्मिंग द इंटरफेस आर ग्रेटर देन व्हेन लिक्विड एंड गैसेज फेस एग्जिस्ट टुगेदर कि यहाँ पे देखो ये लिक्विड है ये भी लिक्विड है और ये गैस है तो ये जो लिक्विड लिक्विड जो इंटरफेस है तो इन दोनों के बीच में जो अधेसिव फोर्सेस है बिटवीन टू लिक्विड फेजेस आर ग्रेटर अधेसिव फोर्सेस ये दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है जिसके कारण इंटरफेसियल टेंशन जो है वो कम है तो ये है रीज़न इंटरफेसियल टेंशन कम होने का एज़ कम्पेयर टू द सरफेस टेंशन इफ़ टू लिक्विड्स आर कम्प्लीटली मिसिबल नो इंटरफेसियल टेंसन एग्जिस्ट बिटवीन दैम तो ये है आपके लिए प्राइम इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंटरफेसियल टेंशन या फिर सरफेस टेंशन या फिर स्पेशली इंटरफेसियल टेंशन कब है कि जब दो लिक्विड्स इमिसिबल है बट जब समझो कि कम्प्लीटली मिसिबल सिस्टम है तो उसमें आपको इंटरफेसियल टेंशन नहीं मिलता वो हो जाता है कम्प्लीटली ज़ीरो आगे जो ये देख सकते हैं आप कि ये ऊपर की ओर गैसेस है तो ये सब गैस के मॉलिक्यूल्स है ये सरफेस के मॉलिक्यूल है तो ये जो इंटरफेस तैयार होती है तो नीचे की ओर जो ये रेड कलर का पोर्शन, वो सब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और ऊपर ये गैस के मॉलिक्यूल तो इस तरह से ये जो बल्क के मॉलिक्यूल से वो चारों बाजू से लिक्विड से ही गिरे कि ये भी लिक्विड ये लिक्विड और जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर और, और एडजस्टेंट तो लिक्विड है बट ऊपर की ओर वो गिरे हुए हैं दे आर सराउंडेड बाय द अदर फेस के जो गैस है या फिर एयर है तो उससे वो सराउंडेड हुए हैं अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सरफेस टेंशन की द सरफेस टेंशन इज डिफाइन एज द फोर्स यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखिए आप कि सरफेस टेंशन इज डिफाइन एज द फोर्स ये भी फोर्स ही है इन डाइन एक्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड कि ये जो लिक्विड है उसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर उसके ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है ऊपर से कि फोर्स इन डाइन कौन से यूनिट के अंदर डाइन यूनिट में एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट राइट एंगल्स एट राइट एंगल्स ऑफ द लेंथ ऑफ सरफेस वन सेंटीमीटर कि समझो कि ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ऊपर से और ये आपका इंटरफेस और वो भी इंटरफेस की यूनिट लेंथ वन सेंटीमीटर और फोर्स से है डाइन तो जो फोर्स अप्लाई हुआ उसको हम कहेंगे सरफेस टेंशन और उसका यूनिट रहेगा डाइन पर सेंटीमीटर और समझो कि न्यूटन आपने लिया है तो न्यूटन पर मीटर रहेगा और उसका जो सिंबल है सिंबल ऑफ सरफेस टेंशन इज लाइक like दिस कि जिसको गामा सिंबल जो है दिया हुआ है सरफेस टेंशन को कि जो मोस्ट टाइम एम पे डेफिनेशन फॉर यू की जो फोर्स एक्टिंग ऑन डाइन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड की जो सरफेस के मिल है उसी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो सरफेस टेंशन और जो बल्क के अंदर है वो इंटरफेसियल टेंशन अब सरफेस टेंशन ज्यादा होता है बिकॉज ये दोनों फेज चेंज होता है कि ये लिक्विड फेज है और ये ऊपर एयर फेज है तो सरफेस टेंशन कि जिसको हम गैमा के तौर पे डिनोटेड करते तो फिनोमिन ऑफ सरफेस टेंशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग प्रोसेसेस कि जैसे कि सरफेस टेंशन के कारण ही जो लिक्विड है वो राइज होता है इन एनी कैपिलरी ट्यूब कि जब आप कोई बीकर के अंदर ऐसे पानी भरते हैं ये वाला बीकर यहाँ तक वाटर फिल करते हैं आप और ये जो कैपिलरी जब उसके अंदर डीप करते हैं तो ये कैपिलरी के अंदर वाटर ऊपर की ओर मूव करता है कि जो कहते हैं कि राइज ऑफ लिक्विड ऐसे ही आप किसी भी पानी के अंदर जब हम पानी के अंदर हम स्ट्रॉ भी डालते हैं कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर आप कोई बटर मिल्क ले रहे हैं तो जैसे भी कोई भी आप कोई लिक्विड को स्ट्रॉ से ले रहे हैं तो जैसे ही स्ट्रॉ उसके अंदर डालते हैं तो कुछ लिक्विड ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर आता है तो वो है ड्यू टू सरफेस टेंशन की यहाँ पे तो हम कैपिलरी ट्यूब का एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते वक्त वग, जब आप स्ट्रॉ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें भी ये फेन सेम फिनान प्रोड्यूस होता है फिर फॉर्मेशन ऑफ हेमिसफेरिकल सरफेस लोअर मिनिस्कस वैन वाटर इस फिल इन ए ग्लास ट्यूब कि किसी ग्लास ट्यूब के अंदर आप या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर फिलअप करते हैं ये वाला कि वाटर कि जब यहाँ तक फिल किया है तो एक मिनिस्कस जैसा फॉर्म होता है हेमी स्पेरिकल मिनिस्कस कि हेमी स्फेरिकल सरफेस लोअर मिनिस्कस जिसको हम कहते हैं वैन वाटर इज फिल इन यानी ग्लास ट्यूब और इन्हें टेस्ट ट्यूब फिर द फिनोमिन ऑफ सर्फेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग प्रोसेस लाइक फॉर्मेशन ऑफ स्पेरिफर ग्लोब्यूल्स इन इमल्सन एंड फॉर्मेशन ऑफ लियरली स्पेरिकल सेप ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स की जब पानी के ड्रॉपलेट्स जब कहीं पे गिरते हैं तो भी नियरली स्पेरिकल सेप उनका फॉर्म होता है कि जब हम देखते कि मानसून के सीजन में जब किसी भी लीफ के ऊपर आप देखो कि ये लीफ है और लिप के ऊपर जब कोई वाटर के मॉलिक्यूल्स गिरते हैं तो वो भी स्फेरिकल तैयार हो जाते हैं तो स्फेरिकल से फॉर्म होता है फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स का वो और फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ग्लोबल्स कि आप इमल्सन के अंदर ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबिल्स ये फॉर्म हुए हैं कि जिसको हम कहते हैं ये ग्लोबिल्स तो ऑयल इन वाटर है तो ये ऑयल के ग्लोबिल्स है एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन है तो ये वाटर के ग्लोबिल्स है तो जो वाटर के ग्लोब तो जो ग्लोब्यूल्स हम देख रहे हैं उसका सेफ हमें क्लियरली दिख रहा है ये स्फेरिकल तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन के कारण तो अब बात आती है कि सरफेस टेंशन कितना है कैसे उसको फाइंड आउट कर दे उसकी अलग अलग वैल्यूज़ कितनी रहती है तो उसके लिए चार अलग अलग टेक्निक यूज होती है फर्स्ट है राइस मेथड टेंजाइलोमीटर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बबल प्रेशर मेथड से एंड ड्रॉप वेट या फिर ड्रॉप काउंट मेथड से हम किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी इंटरफेसिस का इंटरफेसियल टेंशन या फिर सरफेस टेंशन हम फाइंड आउट करते हैं तो सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर में तो ये टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा पार्ट टू के अंदर कि जहाँ पे हम ये कैपलेटराइज मेथड से फिर टेंीटर्स वगैरह से हम जो जिस तरह से सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन फाइंड आउट करते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे सो टिल देन जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट थ्री सिक्स यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स As well as subscribe the channel and use the app Farmerox. Learn online through our online courses. Get the taste series video lecture and PDFs. Download the Farmerox app Android application on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.